गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज का आप लोगों का जो टॉपिक है वो है कार्टेज फिल्टर। ये जो कार्टेज फिल्टर है ये आपके मेटा फिल्टर के बाद का टॉपिक है, जो अनदर इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आमतौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या किसी भी अनदर प्रोडक्शन यूनिट में यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इसके प्रिंसिपल पर बात करते हैं कि कार्टेज फिल्टर क्या होता है। प्रिंसिपल देखिए इसका कि इट इज़ ए थिन पोरस मेम्ब्रेन विच प्री फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर आर कम्बाइंड इन ए सिंगल यूनिट। तो होता क्या है कि इसमें एक पोरस मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर प्री फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर आपस में कम्बाइन होके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट देखिए, द फिल्ट्रेशन एक्शन इज मेनली सीव लाइक एंड पार्टिकल्स आर रिटेन्ड ऑन द सरफेस। तो जैसे छन्नी में क्या होता है, पोर्स में जो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो माइनर पार्टिकल्स हैं नीचे रह जाते हैं, सेम उसी प्रोसेस की तरीके से इसमें भी वही प्रिंसिपल सीव छन्नी वाला काम करता है। तो इस ये लाइन ये कह रही है, द फिल्ट्रेशन एक्शन इज मेनली सीव लाइक एंड पार्टिकल्स आर रिटेन्ड ऑन द सर्फेस। जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं और बाकी जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे चला जाता है। अब ये कार्टेज फिल्टर की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कार्टेज फिल्टर का जो कंस्ट्रक्शन है वो ये कह रहा है कि इट हैज सिलेंड्रिकल कॉन्फिगुरेशन मेड विद डिस्पोजेबल और चेंजेबल फिल्टर मीडिया। यानी कि एक सिलेंड्रिकल इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, देखने में ये सिलेंड्रिकल टाइप का होता है जिसके अंदर एक डिस्पोजेबल और चेंजेबल फिल्टर मीडिया होती है। सेकंड पॉइंट, इट इज़ मेड अप ऑफ आइदर प्लास्टिक और मेटल, दोनों में से किसी भी चीज़ का बना हुआ हो सकता है ये। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन फिल्टर्स, पहला सीव लाइक विच इज़ मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन, और दूसरा जो होता है वो होता है एक्चुअल फिल्टर फॉर फिल्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट इज It हैज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर विच सराउंड them। इनके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि उसको पूरा सराउंड करके बचा के रखती है। द कार्टेज आर हाउस्ड इन ए होल्डर एंड ए नंबर ऑफ कार्टेजेस कैन बी प्लेस्ड इन सेम हाउसिंग। अब यह हाउसिंग क्या होती है, द हाउसिंग इज क्लोज्ड विद ए लिड। ये जो हाउसिंग होती है ये एक लिड से एनक्लोज होती है। हाउसिंग एज प्रोविजन्स फॉर स्लरी इनलेट एंड आउटलेट, इसी हाउसिंग की वजह से जो स्लरी होती है उसका अंदर रहना और बाहर छन जाना ये डिपेंड करता है। इसके डायग्राम को देख लीजिए, जो पहला वाला जो आप लोग ए देख रहे हैं ये एक फिल्टर असेंबली है। देखिए देखने से ही सिलेंड्रिकल टाइप का लग रहा है। इसके अंदर पहले देखिए स्लरी इनलेट, बगल में उसके राइट साइड में देखिए फिल्टर फिल्ट्रेट आउटलेट, यहाँ से फिल्ट्रेट बाहर निकल जाता है। अंदर की तरफ ये कार्टेज होल्डर है ये बाहर का पार्ट, और इसी के अंदर कार्टेजेस लगे हुए हैं जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मदद करते हैं। सबसे नीचे है आपका डिस्चार्ज केक, जो स्लरी है जो केक है वो नीचे डिस्चार्ज हो जाता है। अब ये जो कार्टेज फिल्टर यूनिट है ये नंबर बी वाली फिगर देख लीजिए, ये एक सिलेंड्रिकल है। इसमें जो मिड वाला पोर्शन है सेंटर में देखिए फिल्ट्रेट आउटलेट, फिल्ट्रेट यहीं से बाहर निकलता है। उसके जस्ट नीचे एंड कैप होती है, मेटल की सील होती है। ये जो बना होता है फिल्टर मीडिया आपका, ये किससे, पॉलीप्रोपाइलिन प्रोटेक्टिव लेयर से बना हुआ होता है। उसके बीच में प्री फिल्टर होते हैं, उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन फिल्टर जिनका जो पोर साइज होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स होता है, और सबसे अंदर होता है इनर सपोर्ट कोर, ठीक है ना। और जो बीच की लाइन आप देख रहे हैं, जो तीन एरो जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो है नॉन फाइबरस सपोर्ट नेट। तो ये फिगर है जो आपको बता रहे हैं कार्टेज फिल्टर की। अब इसके वर्किंग एंड यूजेस देख लीजिए, वर्किंग कैसे है। स्लरी इज पम्प्ड इनटू कार्टेज होल्डर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट पासेस कार्टेज फिल्टर यूनिट बाय स्ट्रेनिंग। थर्ड वन इज द क्लियर लिक्विड पासेस थ्रू द सेंटर, एंड फाइनल इट मूव्स अप टू कलेक्ट थ्रू आउटलेट। तो ये सारा का सारा इसकी वर्किंग थी। अब ये यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये आपका कार्टेज फिल्टर, वो देख लीजिए।
particularly useful for preparation of particulate free solutions for parenterals and ophthalmic uses. जब इंजेक्शन बनाने की, आई ड्रॉप्स, आई लोशन बनाने की बात आएगी और उनके सॉल्यूशन को फिल्टर करने की बात आएगी तो आप कार्टेज फिल्टर का यूज करेंगे, ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट है, दिस फिल्टर होल्डर विल प्रोसेस 1000 to 15,000 लीटर ऑफ स्टराइल सॉल्यूशन पर आवर. देख लीजिए, ये इसकी कैपेसिटी होती है कि ये 1000 से लेकर 15,000 लीटर स्टराइल, स्टराइल का मतलब वो सॉल्यूशन जो कंप्लीटली फ्री हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो सॉल्यूशन जो कंप्लीटली फ्री हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि क्या, पैरेंट्रल, इंजेक्शंस, आई ड्रॉप, आई लोशंस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टराइल फॉर्मुलेशन होते हैं, स्टराइल, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ऐसी चीजों को छानने के लिए ये आपका कार्टेज फिल्टर यूज किया जाता है. अब इसके एडवांटेजेस देख लीजिए, क्या एडवांटेजेस हैं. पहला वन, ऑटोक्लेविंग कैन बी डन फॉर स्टराइल ऑपरेशन ड्यू टू स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन, तो नाम से ही समझ में आ रहा है. सेकंड पॉइंट है, कार्टेज विद सेल्फ क्लीनिंग डिवाइसेस आर एडवांटेजियस, इसकी आप सफाई आसानी से कर सकते हैं इनके जो कार्टेजेस हैं. तीसरा, रैपिड डिसअसेंबलिंग एज वेल एज री यूजिंग ऑफ फिल्टर मीडियम इज पॉसिबल, बार बार आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना. फोर्थ पॉइंट है, कार्टेज आर नॉट ब्रिटल व्हेन दे आर ड्राई, कार्टेज के टूटने की संभावना बिल्कुल नहीं होती जब ये सूखे भी रहें. एंड फिफ्थ वन इज, इट इज यूज इन इनलाइन कॉन्टिन्यूस फिल्ट्रेशन विच रिड्यूज हैंडलिंग ऑफ सॉल्यूशंस फुल स्टॉप, इट मिनिमाइज चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन. फाइनली क्या होता है, कॉन्टामिनेशन के चांसेस ना के बराबर ही रहते हैं. तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे. अब डिसएडवांटेजेस में देख लीजिए, सबसे नंबर वन पॉइंट, ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड द कंपोनेंट विच आर जनरली नॉट इंटरचेंजेबल बिटवीन सप्लायर. ये थोड़ी सी इसकी दिक्कत है कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं अगर एक बार टूट गए या कुछ दिक्कत आ गई तो थोड़ा सा चेंज कर पाने में या इंटरचेंजेबल कर पाने में इनकी दिक्कत आती है. नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजेबल एलिमेंट्स ऑफसेट द लेबर सेविंग इन टर्म्स ऑफ असेंबलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कार्टेज क्लेरिफायर. थोड़ी सी लेबर कॉस्ट तो लगती है इनकी, जब सफाई उफाई आपको करना हो तो इसमें लेबर की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ी सी कॉस्ट रिड्यूस, सॉरी कॉस्ट बढ़ सकती है. ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस थे. अब आज का और हमारे इस यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है वो कह रहा है रोटेटरी ड्रम फिल्टर. ये भी एक एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके भी प्रिंसिपल को जरा ध्यान से देख लीजिए. प्रिंसिपल कह रहा है, स्लरी फिल्टर्ड थ्रू सीव लाइक मैकेनिज्म ऑन द रोटेशन ड्रम सरफेस अंडर द कंडीशन ऑफ वैक्यूम. इसमें एक्चुअली में एक ड्रम होता है, ये देखने में एक ड्रम शेप का होता है और वो ड्रम रोटेट करता है, ठीक है ना. और इसी में आप स्लरी को भरते हैं, इनलेट करवाते हैं और उसी से आउटलेट से आपका फिल्ट्रेट निकलता है. और इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो भी सीव लाइक यानी छन्नी की तरीके से, यानी कि क्या हो रहा होगा, बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जा रहे होंगे और बाकी जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ चला जा रहा होगा, जिसको आप कलेक्टिंग चैम्बर से सेपरेट कर सकते हैं. इन एडिशन, कंप्रेशन कॉमा ड्राइंग यूजिंग हॉट एयर एंड रिमूविंग द फिल्टर केक यूजिंग नाइफ आर पॉसिबल. तो ये इसका प्रिंसिपल था. नाउ राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन, किस चीज से मिलकर बना होता है ये रोटेटेड ड्रम फिल्टर. इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल सिलेंडर माउंटेड हॉरिजॉन्टली. ये एक मेटल सिलेंडर से बना हुआ होता है जो कि हॉरिजॉन्टली खड़ा होता है या हॉरिजॉन्टली फिक्स होता है. सॉरी, द ड्रम मे अप टू 3 मीटर्स इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन लेंथ एंड गिव सरफेस एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर. इसका जो डायमीटर होता है इस ड्रम का वो 3 मीटर के करीब होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो 3.5 मीटर के करीब होती है और इसकी जो ओवरऑल सरफेस एरिया होती है वो 20 मीटर स्क्वायर के करीब होती है. द कर्व सरफेस बीइंग ए परफोरेटेड प्लेट सपोर्टिंग ए फिल्टर क्लॉथ. इसमें एक परफोरेटेड प्लेट होती है और जो सपोर्ट होती है फिल्टर क्लॉथ से. देखिए डायग्राम को देखिए, ये मैं डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये देखिए एक रोटेटेड ड्रम फिल्टर है, इसकी डेप्थ देखिए
वॉशिंग जोन देखिए, वाटर कहाँ से जा रहा है, ड्राइंग जोन कहाँ से हो रही है, केक रिमूवल कहाँ से हो रहे हैं, एक नाइफ लगा हुआ है, ठीक है ना, उसको देखिए स्लरी बीच में है। तो ये एक फिगर है रोटेटरी ड्रम फिल्टर की। इंटरनली इट इज डिवाइडेड इंटू सेवरल सेक्टर्स एंड ए सेपरेट कनेक्शन इज मेड बिटवीन ईच सेक्टर एंड ए स्पेशल रोटेटरी वॉल्व्स। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था, फिगर आपके सामने है, ठीक है ना, आप इसको बनाएंगे जरूर जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो। नाउ वर्किंग, द ड्रम इज डिप्ड इंटू द स्लरी एंड वैक्यूम अप्लाइड टू द आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू द फिल्ट्रेट रिसीवर। सेकेंड पॉइंट, वेन द केक हैज फॉर्म्ड द केक ड्रेन्ड और पार्शली ड्राइड बाई वैक्यूम। जब केक बन जाए तो उसको वैक्यूम से ड्राई करवाया जाता है और बाद में उसको नाइफ से काट लिया जाएगा, ओके। थर्ड पॉइंट है, द ड्रम इज स्प्रेड विद वाटर टू वॉश द केक। देखिए ये वाटर देख रहे हैं आप, वॉशिंग जोन फिगर में देखिए, वॉशिंग जोन। तो ये नीचे नीचे क्या है, उसके अंदर केक है, ये रोटेटरी ड्रम पे केक चिपका हुआ है। वाटर से क्या कर रहे हैं, वॉशिंग जोन से उनको वॉश कराया जा रहा है केक को। और जो बाहर का है वहां पे जो है एक नाइफ लगा हुआ है जिसको कह रहे हैं स्क्रैपर नाइफ, वहां से इसको काटा जाएगा, केक रिमूवल जोन जिसे कह रहे हैं। और उसके ऊपर है ड्राइंग जोन, यहीं पे आपको सुखाया जाएगा, ओके, यहीं पे केक को सुखाया जाता है। तो द ड्रम इज स्प्रेड विद वाटर टू वॉश द केक। नेक्स्ट पॉइंट, रिटेनिंग द वैक्यूम कनेक्शन drains the cake and produces partial dryness then removed by a doctor knife, जो कि मैंने आपको बताया। फिर next point, when the solids of the slurry are too much that the filter cloth becomes blocked with the particles, a pre-coat filter may be used, ठीक है ना। अगर blocking होने के chances अगर हो जाए कभी, जब ज़्यादा slurry हो, तो ऐसे case में आप एक pre-coat filter का सहारा और ले लेते हैं। एंड द फाइनल वन इज, ए प्री कोट फिल्टर इज ए फिल्टर एड इज डिपॉजिटेड ऑन द ड्रम प्रायर टू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अगर हमको लगता है कि हमारी स्लरी ज्यादा है तो ऐसे केस में पहले ही आप रोटेटरी ड्रम फिल्टर के पास प्री कोट फिल्टर को भी असेंबल कर लेते हैं ताकि चोकिंग की, ब्लॉकिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। Uses, कहाँ यूज किया जाता है रोटेटरी ड्रम फिल्टर? द रोटेटरी फिल्टर फॉर कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन ऑन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्लरी। जब स्लरी ज्यादा हो और कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कराना हो तो आप रोटेटरी ड्रम फिल्टर का यूज करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर स्लरी कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉलिड इन द रेंज ऑफ 15-30%। जब स्लरी के अंदर सॉलिड कंटेंट की क्वांटिटी 15-30% या और भी ज्यादा हो तो ऐसे केस में आप रोटेटरी ड्रम फिल्टर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कॉमा मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड स्टार्च। तो दवाइयों के तौर पर या फार्मास्यूटिकल टर्म्स में देखें तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को फिल्टर करना हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट को करना हो या स्टार्च, इन तीनों को फिल्टर करना हो, इन तीनों के अंदर एक्चुअली में जो सॉलिड कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, तो ऐसे केस में हम रोटेटरी ड्रम फिल्टर का सहारा लेते हैं। द सेपरेशन ऑफ द माइसीलियम फ्रॉम द फर्मेंटेशन लिक्वर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा जब हम एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें भी उनके फिल्ट्रेशन के लिए आप रोटेटरी ड्रम फिल्टर का यूज करते हैं। नाउ एडवांटेजेस, द रोटेटरी फिल्टर इज ऑटोमेटिक एंड इज कॉन्टिन्यूस इन ऑपरेशन सो दैट द लेबर कॉस्ट आर वेरी लो। लेबर कॉस्ट कम है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन में लगातार यूज़ कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक है, एक बार चला दिया तो अपने आप ही ऑटोमेटिक काम करता है, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट, द फिल्टर हैज़ ए लार्ज कैपेसिटी सो इट इज़ सुटेबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ये इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो जब ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं उनके फिल्ट्रेशन प्रोसेस में रोटेटरी ड्रम फिल्टर को आप आमतौर पर यूज़ करते हैं। वेरिएशन ऑफ द स्पीड ऑफ रोटेशन इनेबल्स द केक थिकनेस टू बी कंट्रोल्ड। केक की जो थिकनेस है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि रोटेटरी ड्रम है, तो आप उसको उसी हिसाब से जैसे हमको केक चाहिए उस हिसाब से उसकी स्पीड को हम मेंटेन कर सकते हैं। एंड द फाइनल वन इज, प्री कोट ऑफ फिल्टर एड कुड यूज टू एक्सलरेट द फिल्ट्रेशन रेट। एंड फाइनल, फिल्टर हैज लार्ज सरफेस एरिया।
तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस थे। और आज का डिसएडवांटेजेस, ये आज आपका लास्ट टॉपिक है इस पूरी यूनिट का, इसको देख लीजिए। द रोटेटरी फिल्टर इज ए कॉम्पैक्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट विद मैनी मूविंग पार्ट्स एंड इज वेरी एक्सपेंसिव। एक्चुअली में इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बड़ा सरफेस एरिया है, तो ऑब्वियसली आपको भी पता ही होगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव, तो महंगा तो होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन एडिशन टू द फिल्टर इट्सेल्फ सम एसेसरीज आर कनेक्टेड, एग्जाम्पल ए वैक्यूम पम्प, ए वैक्यूम रिसीवर, स्लरी पम्प, एजिटेटर्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि फिल्टर ये करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक साथ कई ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया, बहुत ज़्यादा स्लरी, जब सॉलिड कंटेंट ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप अलग अलग चीज़ों को भी इसमें असेंबल आपको करना पड़ता है, तो अपने आप ही थोड़ा एक्सपेंसिव और हो जाता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, द केक टेंड्स टू क्रैक ड्यू टू एयर ड्रॉन थ्रू बाई वैक्यूम सिस्टम सो दैट वॉशिंग एंड ड्राइंग आर नॉट एफिशिएंट। ये थोड़ी सी दिक्कत है कि वॉशिंग और ड्राइंग दोनों चीज़ें एक साथ ठीक तरीके से केक के ऊपर करवा पाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। एंड फाइनल वन इज, इट इज़ सुटेबल ओनली फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लरी। अगर जब बात आएगी कि स्लरी एक ही जैसी है, ठीक है ना, एक ही तरीके की दिखती है, तो ऐसे केस में तो आप रोटेटेड ड्रम फिल्टर का सहारा लेते हैं, बट अगर मिक्सिंग है, कई चीज़ें आपस में मिक्स हैं और फिर आपस में वो स्लरी बना रही हैं, गाढ़ी भी है, कम भी है, विस्कोसिटी भी है, और उसके बाद आप उसको फिल्टर कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ में आपको थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल आपके कोर्स के हिसाब से जो सेकंड जो आपकी जो यूनिट थी फिल्ट्रेशन यूनिट, उसके ये अलग अलग फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट्स थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आज हम लोगों की ये फिल्ट्रेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरे यूनिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो गूगल क्लासरूम में आके आप बात कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।